जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, शिकवा शिकायतों का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया शनिवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर जाकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मामले में शिकायत की। भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हमें कई जगहों से शिकायतें मिली है कि सरकारी अधिकारी भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। कई क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है जो लोकशाही के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्र से हमें शिकायत मिली है। कई जगह पे सरकारी ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और यह हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है। लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो ये बहुत आवश्यक है। आज हमने चुनाव आयोग में जाके हमारी बात रखी है और आज तक 58 एप्लीकेशन हमने चुनाव आयोग के सामने फाइल की है। हमने अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही उसके पर कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स निष्पक्षता से काम करें, सरकार के दबाव में ना आए, डेमोक्रेसी का जतन करें और लोकशाही प्रक्रिया को फॉलो करें, ऐसी अपेक्षा भी हमने रखी है। और हमारी बात का समाधान नहीं होगा तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे, लेकिन हमें एश्योर करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता किसी के भय के बिना निष्पक्ष रूप में अपना वोट करके आपकी पसंदगी की सरकार सुनेगी। सर, का भी घोषणा पत्र तुरंत ही आएगा, अच्छा आएगा, छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छा लगे, उसकी भावनाओं को पूर्ण करे, वैसा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा।